दोस्तों आज की कहानी है, बहू तुम घर में रोटी रोटी का हिसाब क्यों पूछती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मान गई मैं तो आपकी भाभी को, सच में हद है उनकी कंजूसी की। आज तो मैं भी घर वालों की बात से सहमत हो गई कि भाभी को इस कंजूसी की आदत लग गई है। भला कोई औरत कैसे बाजार से अपने लिए बिना कुछ खरीदे खाली हाथ जुलाई आ सकती है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, आखिर किस बात की कमी है भाभी को। शॉपिंग से लाई सामानों को कमरे में रखते हुए आश्चर्य चकित होती राधिका ने ये बात अपने पति राहुल से कही। राहुल देखो राधिका, तुम 6 महीने से देख रही हो, मुझे उनकी कंजूसी देखते देखते 12 साल हो गए। वो हर चीज बड़े ही हिसाब किताब से करती हैं, यहाँ तक कि बच्चों पर भी खर्चा उतना ही करती हैं जितना उनको सही लगता है। क्या मजाल, जो बच्चों को एक साथ 2 खिलौने दिला दे। कितनी बार उनके और भैया के बीच इस बात को लेकर झगड़े होते हैं। भैया कितना समझा सुके कि क्या पैसे मरने के बाद साथ ले जाओगी तुम, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप साप बस सुनती रहती हैं। अब तो सब ने बोलना भी छोड़ दिया है उनको राधिका। हम हो सकता है कि उनकी शादी से पहले परवरिश ही ऐसी हुई हो। चलो हमें क्या करना, उनकी मर्जी, रात बहुत हो गई, सोते हैं। अगले दिन दोपहर में राधिका ने देखा कि उसकी जेठानी रम्मा अकेले कमरे में बैठे कुछ लिख रही हैं। उन्हें अकेला देखकर राधिका ने उनके कमरे पर दस्तक दी। भाभी अंदर आ सकती हूँ रम्मा? अरे राधिका तुम आओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है। राधिका कमरे में गई तो देखा कि रम्मा डायरी में खर्च का हिसाब किताब लिख रही थी। ये देखते उसने मौके पर सौका मारा, भाभी आप हिसाब लिख रही हैं, किसको देना है आपको हिसाब? क्या भाई साहब आपसे हिसाब लेते हैं क्या? रम्मा नहीं तो, ये तो मैं खुद के जानकारी के लिए लिख रही थी। राधिका हद है भाभी, सस में आप तो आज मुझे ये राज जानना ही है कि इतनी कंजूसी किस लिए। भाभी आपकी सरकारी टीचर की नौकरी है, आपको बुढ़ापे में पेंशन भी मिलेगी। भगवान की दया से 2 बेटे हैं, सिर्फ बेटियां भी नहीं, जिसके लिए आपको दहेज इकट्ठा करना है। हमारी तो एक ननद भी नहीं जिसे हमें नेग देने का खर्चा हो। माजी बाबूजी सबको मिला।
सर सिर्फ 8 लोग हैं हमारी फैमिली में और हम सारों कमाने वाले, फिर भी आप इतना क्यों सोचती हैं खर्च करने से पहले? मुझे और राहुल को देखिए, प्राइवेट नौकरी है लेकिन फिर भी दिल खोलकर खर्चा करते हैं हम दोनों। जब जो मन करे खाओ पहनो खरीदो, और जो है आज है कल का भरोसा, कल हो ना हो मेरी बात मानिए तो आप भी यही करिए। अरे किसको समझा रही हो राधिका बहू, जिसको परवरिश और संस्कार में ही कंजूसी दी गई हो उसको बदलना नामुमकिन है। रम्मा को समझाना और पत्थर पर अपना सिर मारना एक समान है। जो काम हम सब 12 साल में नहीं कर पाए वो तुम क्या कर पाओगी? व्यंग्य करते हुए बोल पड़ी सासू माँ। सरिता जी, अरे माँ जी आप कब आई? मैं तो यूं ही बस भाभी से बात कर रही थी। लड़ाई और गुस्से के डर से शक पकाई सी जेठाने की तरह देखती हुई बोली राधिका। रम्मा माँ जी आइए ना बैठिए। हाँ तो राधिका तुम क्या कह रही थी कि इतनी कंजूसी क्यों? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं करती हूँ उसे मेरी नजर में कंजूसी नहीं कहते, जानती हो राधिका। आज जैसा तुम सोच और बोल रही हो वैसा कि कुछ साल पहले मेरे माता पिता भी सोचते थे, इसलिए ये उन्होंने कभी कोई बसत नहीं की। जो थोड़ा बहुत बसत था वो सब मेरी शादी में खर्च कर दिया। पापा प्राइवेट नौकरी में थे, उनका मानना था कि 2 बेटे हैं आगे चलकर सब संभाल लेंगे। एक बेटी की शादी यानी मेरी शादी ही उनके लिए बोझ, जो हो जाते ही सब कुछ ठीक हो जाती। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। बीए बीटीसी करते मेरी शादी कर दी गई। दोनों भाइयों की भी शादी हुई। बड़ी भाभी के जब दूसरा बच्चा हुआ तो बड़े भाई का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई पर आ गई और छोटे भाई ने भी शुरू के महीनों में थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए वो भी अलग हो गया। आज मेरे मम्मी पापा को पछतावा होता है कि काश समय रहते उन्होंने बसत की होती। जब शादी करके ससुराल आई तब से आज तक यही देख रही हूँ कि बिना मतलब के खर्चे किए जाते हैं सिर्फ समाज में दिखावे के लिए। कभी 2 साल में फ्रिज बदल दिया जाता है तो कभी मोबाइल। एक इंसान को 2 मोबाइल क्यों चाहिए? क्या ये सब फालतू खर्चे नहीं? और एक बात, अपने घर में माँ बाबूजी दोनों ही बीमार सदस्य हैं। माँ जी को शुगर और गठिया, तो बाबूजी को किडनी और दिल की बीमारी। कब कितने पैसों की जरूरत पड़े हम नहीं कह सकते। तो अगर बसत नहीं करेंगे तो इलाज के पैसे किससे?
मांगने जाएंगे। अब रही बात बेटा बेटे की, तो क्या बेटों को पढ़ाने और बड़ा करने में पैसे नहीं लगते? उनके स्कूल फीस से लेकर कपड़े तक सब कुछ पैसों से ही आता है। ये हमारे नजरिए और सोच का फर्क है कि बेटी की माँ का खर्चा ज्यादा होता है, बेटों को माँ का कम होता है। वैसे ये मेरी सोच है, जरूरी नहीं कि सबकी सोच ऐसी ही हो, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ खोने के बाद हम सबक ले, इससे अच्छा कि पहले ही सीख ले। वैसे तुम छोड़ो इन बातों को, बताओ कि डॉक्टर ने फिर कब बुलाया है? और अब इन बातों को भूलकर अपना ज्यादा ख्याल रखा करो। माँ बनना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। रम्मा के इतना कहते सरिता जी और राधिका का मुंह टेढ़ा हो गया और दोनों बिना कुछ बोले वहां से चले गए। रम्मा जानती थी कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी एक दिन अचानक लॉकडाउन की घोषणा हुई। कुछ महीने तक तो सब ठीक चला, लेकिन रम्मा ने नोटिस किया कि राधिका और राहुल कुछ दिनों से परेशान हैं। एक दिन रम्मा ने मौका पाकर पूछा तो पता चला कि लॉकडाउन की वजह से ऑफिस में स्टाफ की सटनी शुरू हो गई और दोनों की नौकरी चली गई है। अब उनके पास बचत के नाम पर कुछ पैसे हैं, जो ना के बराबर ही है। रम्मा ने राधिका को हौसला देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। सरिता जी को अचानक रात में दिल का दौरा पड़ा, आनन फानन में अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। इतनी सुनते रम्मा के पति उमेश और राहुल अपना सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि राहुल की नौकरी नहीं थी और उमेश ने सरिता जी के कहने पर दो मंजिला घर का महंगा इंटीरियर करा दिया था। रम्मा को जब ये बात पता चली तो रम्मा ने उमेश को अपना डेबिट कार्ड दिया, कहा जाकर पैसे जमा कर दो। सरिता जी सर्जरी हुई ही थी कि इधर समय से पहले राधिका को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अस्पताल में राधिका ने सातवें महीने ही ऑपरेशन से प्री मैच्योर बेटे को जन्म दिया। बच्चे को NICU में रखा गया, जिसे डॉक्टर ने पूरे एक महीने तक अस्पताल में रखा। एक तरफ तो कोरोना का डर, दूसरा घर खर्च और इस तरह आई मुसीबत ने पूरे घर को आर्थिक और मानसिक तौर पर हिला कर रख दिया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कुछ महीनों में उनकी जिंदगी में इतनी उतल पुतल हो गई। एक दिन रम्मा के ससुर जी ने कहा बहू हम गलत थे, तुम कंजूस नहीं हो, आज तुम्हारी वजह से ही हमें दो वक्त
की रोटी नसीब हो पाई, वरना क्या होता, ये तो भगवान ही मालिक था। तभी पीछे से राहुल और राधिका ने कहा, हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राधिका ने कहा, भाभी आप सही थी, हम ही नहीं समझ पाए कि हमारा कल हो ना हो, लेकिन हमारे अपने तो रहेंगे ही ना, और हमारी आज की बसत ही कल हमारे या हमारे परिवार के काम आएगी। ये महंगे ब्रांडेड कपड़े, पॉकेट में दो दो फोन, महंगा इंटीरियर हमारे दुख में काम नहीं आएगा, ना ही जिस समाज को दिखाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं वो हमारे काम आएगा। आज भाभी की बसत और नौकरी की बदौलत ही हम स्कूल फीस, मेडिकल और घर खर्च कर पाए, वरना तो क्या हो जाता, ये सोचकर भी डर लगता है मुझे। झुकी निगाहों और दबी आवाज में सरिता जी ने कहा, अगर ये कोरोना ना आया होता और तुम सब की नौकरी नहीं जाते तो शायद हम कभी समझ भी नहीं पाते रम्मा को। रम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप सब भी किन बातों को लेकर बैठ गए, चाय पीने का समय हो गया। राधिका बाबू को दादी दादा के हवाले करो, चलो हम चाय नाश्ता बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।